हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे साथ। मैं सूरज कुमार सैनी आज आपको वापस एडवर्टिजमेंट वाले पार्ट में लेके चलूँगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडवर्टिजमेंट के बारे में पढ़ाई की थी, उसमें देखा था हम लोगों ने दो तरह के एडवर्टिजमेंट होते हैं, एक क्लासीफाइड होता है और एक डिस्प्ले एडवर्टिजमेंट होता है। क्लासीफाइड की कई सारी वैरायटीज़ देखी, डिस्प्ले की एक वैरायटी देखी हम लोगों ने पोस्टर। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी ज़रूरी है कि अगर आप क्लास 11th या 12th में हैं तो क्लास 11th में अभी कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, क्लास 12th में भी कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो क्लास 11th में क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट नहीं आने वाला है, क्लास 11th में सिर्फ पोस्टर मेकिंग आएगी, और क्लास 12th में पोस्टर मेकिंग नहीं आएगी, क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो ये वीडियो स्पेशली तो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, लेकिन इसको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, आप दोनों के लिए ही काफ़ी ये यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोस्टर मेकिंग पढ़ी थी, आज क्लासीफाइड एड देखेंगे। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। ओके, लेट्स सेट गो। क्लासीफाइड में जैसा कि पहले हमने बताया था, सिचुएशन वैकेंट होता है, पहला पार्ट इसका सिचुएशन वैकेंट होता है। अच्छा, ये ऐड बनते कहाँ हैं? ये ऐड न्यूज़पेपर में, ये क्लासीफाइड का पूरा कॉलम होता है। अगर आप हिंदी पेपर देखेंगे वहाँ पर भी क्लासीफाइड मिल जाएगा आपको, और इंग्लिश पेपर अगर आप पढ़ते होंगे उसमें भी क्लासीफाइड कॉलम मिलते हैं। तो क्लासीफाइड कॉलम में राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड या पूरे के पूरे पेज में ही छोटे छोटे बॉक्सेस में ये एड्स बने होते हैं, ऊपर हेडिंग लिखी होती है, तो उसी की ये हेडिंग है सिचुएशन वैकेंट। तो सिचुएशन वैकेंट का ऐड आप कब बनाते हैं? वैकेंट सिग्निफाइज वैकेंसी। जब भी किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग सेंटर में, कहीं पर भी अगर कोई वैकेंसी निकलती है, जॉब की ज़रूरत होती है, तो कंपनी और वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन के लिए एक ऐड निकालती है कि उनके कंपनी में इस पोस्ट पर इतने लोगों की ज़रूरत है। इस तरह के ऐड को हम सिचुएशन वैकेंट कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि किसी ट्यूशन का ऐड है, अगर कोई पेरेंट है जो अपने बच्चे के लिए ट्यूशन चाह रहा है, ट्यूटर चाह रहा है, और उसने ऐड निकाल रखा है कि मेरा बच्चा क्लास 4th में पढ़ता है, उसके लिए कि अच्छे मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है, तो ये ऐड भी वैकेंसी में ही चला जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी किसी कोई पोस्ट खाली है और वहाँ पर किसी की ज़रूरत है। ओके, ठीक है, आगे सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड है सिचुएशन वॉन्टेड। सिचुएशन वॉन्टेड उस समय बनाया जाता है जब हमें जॉब की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज़ करिए आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, बीसीए, एमसीए, व्हाटएवर आपने कोई कोर्स कर रखा है, स्पेशलाइजेशन कर रखा है, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, आपने वो काम छोड़ दिया है, अब आपको नए जॉब की ज़रूरत है, तो आप अपना एक ऐड न्यूज़पेपर में निकाल देंगे कि आपने इस यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर रखा है और आपने इस कंपनी में 4 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है, आपकी स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल है या सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। अगर किसी कंपनी को हार्डवेयर इंजीनियर की ज़रूरत हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत हो, मेडिकल स्टोर में बैठने वाले कर्मचारी की ज़रूरत हो, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करें। इस तरह के ऐड सिचुएशन वांटेड में चले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेल और परचेस है, यानी कि अगर आपको कुछ बेचना है या कुछ ख़रीदना है। आपने OLX पे काफ़ी सारे ऐड देखे होंगे, सेल के भी परचेस के भी, तो वो सारे ऐड सेल और परचेस के कॉलम में चले जाते हैं। जब आप सेल का ऐड बनाएंगे या जब आप कुछ बेचने का ऐड बनाएंगे तो ऊपर हेडिंग बनाएंगे फॉर सेल, और जब आप परचेस का आप एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो वहाँ पर आप फॉर परचेस की हेडिंग बना देंगे। इसमें सारे डिटेल्स आप लिख देंगे, डिटेल क्या लिखने हैं उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। फिर है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट में कुछ खो गया आपका, फाउंड में कुछ मिल गया आपको। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि लॉस्ट एंड फाउंड में सिर्फ ऑब्जेक्ट मिसिंग के केस में बनाते हैं, कोई चीज़ आपकी खो गई तो लॉस्ट 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 की हेडिंग बना करके जो भी चीज़ खोई हुई है उसका डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे। फाउंड में सिमिलर करेंगे, कभी कभी तो फाउंड में ऐसा लगता है कि हमें किसी की चीज़ मिल गई है तो हम उसको लौटाए क्यों, है ना। अब आपको एक ब्रीफ केस मिल गया, खुला हुआ ब्रीफ केस था, आपने उसको ओपन किया, देखा उसमें कुछ पैसे थे, कुछ ज्वेलरी थी, कुछ कागजात थे, नीयत ख़राब हो गई और रख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कभी किसी की कोई चीज़ मिले और अगर डिस्क्रिप्शन हो उसमें तो आप कोशिश करिए उसको लौटा देने की, जिससे कि थोड़ा सा आपको भी मेंटल पीस मिलेगी, सुकून मिलेगा। ओके, आगे बात करते हैं मिसिंग पर्सन और पेट की। मिसिंग पर्सन और पेट सेम है जैसे लॉस्ट और फाउंड है। यहाँ पर कोई पर्सन या कोई पेट मिसिंग हो गया। अब टीवी पे अक्सर ऐड देखा होगा, ऑटो के पीछे ऐड लिखा रहता है गुमशुदा, तो ये गुमशुदा वही वाला ऐड है, मिसिंग पर्सन वाला ऐड है।
क्लियर। टू लेट, ये टू लेट देखिए इंपॉर्टेंट है। टू लेट में अक्सर लोग कंफ्यूज जाते हैं, आपको भी ध्यान होगा, आपने भी कहीं राह चलते कहीं सड़क पे या कहीं गली में देखा होगा, कोई बड़ी सी बिल्डिंग होती है उसमें टू लेट का बोर्ड टंगा होता है और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, ध्यान है ना। टू लेट का एड आप अपने जगह को, अपने प्लेस को, अपने रूम को, अपने ऑफिस को, अपने ज़मीन को, अपने घर को किराए पर देने के लिए बनाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, किराए पर देने के लिए, किराए पर देना। ये सेम एड टू फॉर रेंट पर भी आता है या लेट आउट करके आता है। तो रेंट पर जब आप अपनी प्लेस को देते हैं तो वहाँ पर टू लेट का ऐड आप बनाएंगे, क्लियर। एजुकेशनल में स्कूल, कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड वैकेंसी के लिए नहीं होगी, वांटेड के लिए नहीं होगी। यहाँ पर ऐड सिर्फ और सिर्फ स्कूल में सब्जेक्ट के प्रमोशन के लिए होगी या कोचिंग सेंटर के प्रमोशन के लिए होगी कि आपके यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं या कौन से कोर्स आप लॉन्च करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। और लास्ट में आता है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल शादी के पर्पज़ से बनाया जाता है, जैसे आपने शादी.com सुना होगा, उसमें वर चाहिए, वधू चाहिए, पेपर में भी देखिए बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़े बड़े कॉलम्स में ऐड आते हैं, वर के लिए अलग, वधू के अलग। तो मैट्रिमोनियल वही होता है। मैट्रिमोनियल में छोटा सा ऐड बनाते हैं जिसमें आपको ग्रूम चाहिए या ब्राइड चाहिए। ब्राइड चाहिए, अगर आपको दुल्हन की ज़रूरत है तो आप क्या लिखेंगे, फॉर ग्रूम लिखेंगे, अगर दूल्हे की ज़रूरत है तो फॉर ब्राइड लिखेंगे। ओके, थोड़ा सा उल्टा होता है यहाँ पर। अब इन सारे ऐड्स में लिखते क्या हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। बहुत छोटा सा ऐड आपको बनाना है, 50 वर्ड्स का ये ऐड बनता है। अब तो आने वाले एग्ज़ाम में ओनली 3 मार्क्स में ये आएगा, कंटेंट, एक्सप्रेशन और आइडियाज़ पर ये ऐड बनेगा। 3 मार्क्स में आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा ऐड नहीं बनाएंगे, छोटे से ऐड बनाएंगे। यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको सिर्फ वही वर्ड्स लिखने हैं और फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। लाइक पोस्टर, पोस्टर में हम ड्राइंग डिज़ाइन बनाते थे, यहाँ ड्राइंग डिज़ाइन तो नहीं बनाना है, सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस को शॉर्ट में करके लिखना है। सपोज़ करिए सिचुएशन वैकेंट की हमें कोई ऐड बनानी है। अब सिचुएशन वैकेंट में क्या है कि एक कंपनी है, जिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हार्डवेयर का स्टोर है, एक हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है, जहाँ पर उसको अपने नए ब्रांच के लिए 2 हार्डवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। तो उसने ये ऐड मार्केट में निकाला है, पेपर में निकाला है कि इस कंपनी को इसके नए ब्रांच के लिए हार्डवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, और ये बात आपसे कही जा रही है कि आप इसके लिए एक ऐड तैयार करिए। तो इसका हम ऐड कैसे तैयार करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर हेडिंग लिख देनी है, सिचुएशन वैकेंट की। सिचुएशन वैकेंट की आप हेडिंग बना देंगे। अब आप कंपनी का नाम से शुरू कर सकते हैं या रिक्वायर्ड से शुरू कर सकते हैं या वांटेड से शुरू कर सकते हैं। तो आप ऐसे शुरू करिए, वांटेड टू हार्डवेयर इंजीनियर्स तो आपने वांटेड लिखा। पहले आप नेम ऑफ पोस्ट लिखते हैं कि सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, हार्डवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है। अब पोस्ट के बाद आप इनकी क्वालिफिकेशन या इनके एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो वांटेड टू हार्डवेयर इंजीनियर्स मस्ट क्वालिफाइड हो फोर ईयर्स फोर ईयर के एक्सपीरियंस्ड हो वेल वर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश के भी अच्छे जानकार हो, भाई हार्डवेयर इंजीनियर है, कभी किसी से बात करनी हो गई, कंपनी है आपकी, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंग्लिश स्पीकिंग भी उनकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, और इसके साथ देखिए और क्या क्वालिफिकेशन, और क्या रिक्वायरमेंट आपकी हो, और क्या रिक्वायरमेंट आप इन हार्डवेयर इंजीनियर्स में चाहते हैं। तो इसमें देखिए और क्या आप लिख सकते हैं कि वो टाइम पर आने वाला हो। ओके,
अटेंटिव हो, अटेंटिव एंड पंक्चुअल, ठीक है। ये तो आपने अपना रिक्वायरमेंट लिख दिया फॉर आर न्यू ब्रांच, ओके। अब आप सैलरी के बारे में बात कर लीजिए, सैलरी गिवन, कितनी सैलरी आप देंगे, कितनी, एक हार्डवेयर इंजीनियर है तो आप उसको कितनी सैलरी दे सकते हैं, कम से कम रुपीस 25,000 पर मंथ नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, बातचीत करके उसको बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है, प्लस TADA देना चाहे तो आप उसको भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट सून, जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें ऑन। फिर आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, कॉन्टैक्ट सून एट, पहले कंपनी का नाम दे दीजिए, कौन सी कंपनी है आपकी, तो कंपनी का नाम आप दे दीजिए ABC हार्डवेयर स्टोर रिंग रोड न्यू दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर 1। तो ये, और ये बनाने के बाद आप इसको वापस से ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका एक सिचुएशन वैकेंट का ऐड बन जाएगा। अब इसी तरह से देख रहे कितने छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसी तरह से छोटे वर्ड्स का कलेक्शन करके आपको ये सारे ऐड बनाने हैं। सिचुएशन वांटेड में आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो आपकी, जो आपके अंदर है, जिस तरह की जॉब आप चाहते हैं आप वो लिख दीजिए। सेल परचेस में आप क्या बेचना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, कुछ अगर बेचना चाहते हैं तो उसके पूरे फीचर लिखिए। सपोज़ करिए कि आप अपने बिल्डिंग का कोई कमरा बेचना चाहते हैं तो उस कमरे के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि उसमें लाइट लगी हुई है, टाइल्ड फ्लोर है, फिटिंग्स है, पूरे फर्नीचर हैं उसमें, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी है, या लिफ्ट की फैसिलिटी है, घर के बाहर बिल्डिंग के बाहर स्विमिंग पूल है, व्हाटएवर जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ें हैं आपकी आप वो लिख दीजिए। लॉस एंड फाउंड में आपने क्या कुछ खोया है, तो जो भी कुछ खोया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, फाउंड में जो कुछ मिला उसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। मिसिंग पर्सन पेड सेम होगा। टू लेट में भी कमरा किराए पे देना चाहते हैं तो उसका रेंट क्या है, क्या रेंट आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और कमरे की फैसिलिटी क्या है, कितना बड़ा एरिया है वो आप उसको लिख दीजिए। एजुकेशनल सेम, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग सेंटर है, वो क्या कौन कौन से कोर्स लॉन्च करना चाहती है उसको, और मैट्रिमोनियल में आपको किस तरह की दूल्हा या दुल्हन की ज़रूरत है आप उसको लिख दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हो जाता है ये एडवर्टिजमेंट, एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। छोटी सी टॉपिक होगी, छोटा सा इसमें आपको लिखना भी है, 50 वर्ड्स लिखने हैं तो कोई बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। 3 मार्क्स आपको इस पर एग्जैक्ट मिल जाते हैं, बोर्ड में बहुत आराम से इस पर नंबर दे दिए जाते हैं अगर आपने सही से इसको लिखा है तो। तो ये पूरा एडवर्टिजमेंट का पार्ट आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पोस्टर मैंने बताया था तो पोस्टर क्लास 11th के लिए है। क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट आपको क्लास 12th वालों, हाँ आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। छोटे छोटे इसमें क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो थोड़े से समझने में टिपिकल होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो वैराइटीज़ बताई है फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक उसे आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी सा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो मैं सूरज कुमार सैनी आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो वह मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिए, मैं उसका आंसर आपको सेंड कर दूँगा आपके क्वेश्चन के बाद। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन ज़रूर सेंड करूँगा। तो इस तरह से आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए और जहाँ प्रॉब्लम हो उसको पूछिए, पूछते रहिए, क्वेश्चन करने से बहुत ही आसानी हो जाती है। और
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे सी टॉपिक लेकर के, अच्छे से वीडियो पर बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।